सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल मास्टर स्पेशल ट्रिक चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके WhatsApp या फिर फ़ोन पर कोई भी ऐसा कॉल आता है कि आप KBC की तरफ से 25 लाख या फिर 5 लाख जीत गए हो या फिर उससे ज़्यादा रकम जीत गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन कॉल आता है या फिर कोई भी ऐसे SMS आता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा कम्प्लीट वॉच करना ताकि आप सही से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ उस ऑडियो को, और आप ध्यान से सुनो उस ऑडियो में क्या कहा जाता है। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है, इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी है, तो व्हाट्सएप से ही कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें, अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वीचिंग फॉर व्हाट्सएप। तो जैसे कि आपने अभी सुना, ये जो ऑडियो है KBC की तरफ से भेजा गया है, तो मैं कुछ देर के लिए मान भी लेता हूँ ये जो ऑडियो है KBC की तरफ से भेजा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोटो पर इस ऑडियो के साथ इस फोटो को भेजा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया है और साइड पे राइट साइड पे अमिताभ बच्चन जी के जो फोटो है वो लगाया गया है। तो कुछ देर के लिए मान भी लेते ये जो ऑडियो है ये रियल है, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नरेंद्र मोदी का फोटो क्यों लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फोटो है, ये जो ऑडियो है, ये फेक है, टोटली फेक है। और ये जो एडिटिंग किया गया है नॉर्मल सा ही एडिटिंग किया गया, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आप देख सकते हो उस ऑडियो पर बताया गया है, अगर आप उनसे बात करना चाहते हो या फिर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप उनके व्हाट्सएप के नंबर पर ही कॉल करें या फिर उनसे SMS ऑडियो SMS करें। तो इसका मतलब यह है कि ये जो KBC की तरफ से मैसेज आया गया है या फिर आपके पास भेजा गया है, ये जो लॉटरी दिया गया है, या फिर आप देख सकते हो लॉटरी नंबर भी नीचे दिया गया है 0055। तो ये जो सब कुछ भेजा गया है ये टोटली फेक है। आप उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट ना करें, आप उनसे कोई भी बात ना करें। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका मतलब कि आप समझ ही जाओ। नंबर 3, मेरे व्हाट्सएप पर जो KBC की तरफ से ऑडियो SMS भेजा गया या फिर KBC की तरफ आप जो भी फेक मैसेज आप जो भी कह सकते हो, या फिर आप देख सो जो नंबर पर भेजा गया, जो नंबर से मुझे भेजा गया, या फिर आप देख सो जो नॉर्मल सा फोन रफ यूज़ के लिए जो नंबर दिया जाता है वही नंबर से मेरे व्हाट्सएप पर ऑडियो SMS भेजा गया। तो या फिर आप देख सकते हो ये जो ऑडियो SMS KBC की तरफ से मुझे भेजा गया है ये टोटली फेक है, आप उन पर ध्यान ना दें अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन कॉल या फिर SMS आता है। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं आप उनको कॉल करते हो, कॉल करने के बाद KBC वाले क्या बोलेंगे, आपका जो अकाउंट नंबर है वो दीजिए, उसके बाद IFSC नंबर और सब कुछ दे दीजिए। तो अगर आप उनका कहा मानते हो तो आपके अकाउंट पे पड़े जितने भी बैलेंस है वो तो आप गवाओगे, या फिर ये भी कह सकते हैं पहले आप 10,000 या फिर 20,000 भेजिए, उसके बाद हम आपका जो जीते हुए रकम है आपके अकाउंट पर भेज देंगे। तो अगर आप उनके कहा मानते हो तो आपके बैंक पर पड़े जितने भी बैलेंस हो वो आप गवाओगे। अगर आप जानना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी या फिर फिशिंग अटैक के रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, भर भर के वीडियो पड़ा हुआ है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय शुभ हो।